देश की बढ़ती आबादी के लिए चिंता का विषय है। जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है उससे अनुपात में सरकार पर्याप्त सुविधा नहीं जुटा पाती। इसके मद्देनजर सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए योजना और कई कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन इसके अधिकांश लक्ष्य महिलाओं पर केंद्रित हैं। पुरुषों की परिवार नियोजन और नसबंदी में कम ही रुचि है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उज्जैन जिला चिकित्सालय द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य विभाग ने जनसंख्या स्थिरता के लिए एक रैली निकाली, जो उज्जैन के टावर चौराहे से शुरू हुई और शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई शहीद पार्क पर रैली का समापन हुआ। इस रैली में नर्सिंग की छात्राएं हाथों में तख्तियां लेकर जन जागरण को जनसंख्या वृद्धि रोकने के संदेश दे रही थी। रैली का शुभारंभ टावर चौराहे पर CMHO डॉक्टर रजनी डाबर ने हरी झंडी दिखाकर किया और देश की बढ़ती आबादी के चिंता के विषय में परिवार नियोजन और नसबंदी में सिर्फ महिलाएं ही आगे रहती हैं, लेकिन महिलाओं की तुलना में कुछ पुरुष नसबंदी करवाने के लिए सामने आते हैं, लेकिन पुरुषों को भी परिवार नियोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए शहीद पार्क में एकत्रित हुए हैं और जन सामान्य को यह बताने के उद्देश्य से कि हमारे इस विश्व को बैलेंस रखने के लिए जनसंख्या का नियोजन बहुत जरूरी है, उसके लिए हम एक रैली का आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 26 करोड़ है और आने वाले 2026 तक हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ तक हो जाएगी। तो अगर हम हमारे देश को एरिया के हिसाब से और जनसंख्या को अगर बैलेंस रखना चाहते हैं तो हमें नियोजन को अपनाना ही होगा। इसके लिए हम रैली का आयोजन कर रहे हैं और हम सभी से मतलब अनुरोध है कि इसको ध्यान में रखते हुए अपने जो परिवार है उसका नियोजन अच्छे से। जनसंख्या दिवस है उसके उपलक्ष्य में आज रैली निकाली गई है जो कि टावर चौक से चलकर शहीद पार्क तक आई है और इस रैली का संदेश है कि लोगों में जन जागृति फैलाना कि आप जनसंख्या पे नियंत्रण रखें और क्योंकि उससे होने वाले दुष्परिणाम जो है कि काफ़ी उसमें हो रहे हैं। इस वजह से इस चीज़ के लिए ये संदेश दे रहे हैं कि आप उसको जागृति से समझें और दो बच्चों पे ही अपने ऑपरेशन नसबंदी कराएं या अस्थाई साधनों को अपनाएं। हाँ जी हाँ, पुरुष लोग इसमें थोड़े उदासीन रहते हैं, वो उसमें थोड़ा सहयोग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए भी है ये मैसेज दे रहे हैं कि आप नसबंदी कराएं और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि जब माँ और बच्चे तभी स्वस्थ रह पाएंगे जब परिवार नियोजित होगा और उसके साथ साथ उनकी ज़रूरतें जो पूरी होंगी उसके लिए परिवार नियोजन बहुत ही आवश्यक है।